फंगल इन्फेक्शन, ये कभी भी किसी को पूरी बॉडी में किसी भी उम्र में कहीं पर भी हो जाता है। ये तब होता है जब हम अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, छोटी छोटी सावधानियां नहीं बरतते हैं। जब शुरुआत में होता है तो इसको अनदेखा कर देते हैं और इसकी इतनी बुरी गत हो जाती है, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है जब इसको अनदेखा कर देते हैं तो डॉक्टर को बताने में भी शर्म करते हैं। और ख़ास कर ये जब आपके प्राइवेट पार्ट पर हो जाता है, हिप्स के एरिया पर हो जाता है, तो उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर को बताने में भी आप शर्म करते हैं। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप हिप्स के एरिया के फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पहले भी एक वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, ये रही वीडियो, और अपने चैनल पर होम रेमेडीज नाम से प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जहाँ पर मैं आपको इस तरीके की वीडियोज़ जो है सारी शेयर करती हूँ। नहीं देखा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी या आई बटन में दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में जो होम रेमेडी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ वो हिप्स के एरिया के फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए है। जैसे ही शुरुआत हो जाती है यही घरेलू उपाय अगर आप अपना लेंगे, या बहुत बुरी हालत हो चुकी है तो यही घरेलू उपाय अगर आप रेगुलर अपनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखने लग जाएगा। तो अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है jyamalik81, जहाँ पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉलो करिए, अपनी क्वेरीज पूछिए। अगर कमेंट सेक्शन में आप कंफर्टेबल नहीं हैं पूछने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का घरेलू उपाय। बहुत बहुत आसान उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने हिप्स के एरिया को, जहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ के एरिया को आपको नीम के पानी से धोना है। नीम की पत्तियों को लाइए, पानी में उबालिए, 15 से 20 मिनट उबालने के बाद जो पानी बचता है उस पानी से हिप्स के एरिया को धोइए। उसके बाद आपको तौलिए से, अच्छे से साफ़ तौलिए से हमेशा अच्छे से सुखा लेना है। देन आपको इस्तेमाल करना है नीम का पाउडर। नीम फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत काम आता है। इसकी एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हार्मफुल बैक्टीरिया और फंजाई को दूर रखती है, इसलिए ये स्किन को और स्किन से रिलेटेड डिसीज़ को आपकी स्किन से हमेशा दूर रखता है। तो हमें यहाँ पे लेना है एक चम्मच नीम का पाउडर। ये नीम का पाउडर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप नीम की पत्तियों को घर पे लाइए, सुखाइए और पीस के आप नीम का पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं तकरीबन एक चम्मच नीम का पाउडर। फिर यहाँ हमें लेना है आधा चम्मच नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर। आप बाज़ार से परचेज कर सकते हैं या फिर घर पर ही जायफल का पाउडर इस तरीके से मिक्सी में पीस के तैयार कर सकते हैं। जायफल के पाउडर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि ये आपको जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर खुजली को दूर करेगी और जितना भी लालपन रेडनेस आया होगा उसको कम करेगी। तो आधा चम्मच यहाँ पर लेना है जायफल का पाउडर, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद हमें लेना है टी ट्री ऑयल, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको आसानी से, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। जो टी ट्री ऑयल होता है ये बेस्ट माना जाता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होने के कारण। टी ट्री ऑयल हर तरीके के फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर हम लेंगे 6 से 7 बूंदे टी ट्री ऑयल की, और एक पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा जेल का। बाज़ार में मिलने वाला एलोवेरा जेल या घर पर ही अगर आपके प्लांट है तो वो वाला एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, एक पेस्ट जैसा बनाना है। तो आप क्वांटिटी एलोवेरा जेल की अपने आप एडजस्ट कीजिएगा कि एक चम्मच में बन रहा है या डेढ़ चम्मच में, तो आप उसी हिसाब से एलोवेरा जेल की क्वांटिटी लीजिएगा और एक पेस्ट जैसा हमें इसको बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके का पेस्ट बनेगा। अब ये पेस्ट बहुत गाढ़ा है तो इसके अंदर मैं तकरीबन आधा चम्मच के करीब सादा पानी, जो पीने वाला पानी होता है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके का ये पेस्ट बन जाएगा। आपको रेगुलर रात को सोने से पहले इस पेस्ट को अपने हिप्स के एरिया पे जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर 10 मिनट के लिए लगा के रखना है। 10 मिनट के बाद आपको रुई या किसी कपड़े की मदद से पोंछना है, धोना नहीं है, ठीक है, आई रिपीट, सिर्फ पोंछना है कॉटन से या किसी कॉटन के
साफ़ सुथरे कपड़े से। ये आपको रेगुलर करना है, रेगुलर 10 मिनट आपने देना है। धीरे धीरे क्या होगा कि जो फंगल इन्फेक्शन होगा वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा और फिर वो ठीक होता चला जाएगा। आखिर में आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि अपनी डाइट में आप प्रोबायोटिक को शामिल करिए। प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा सोर्स है दही, तो अपनी डाइट में आप दही, छाछ इसको शामिल कीजिए और रेगुलर आप सुबह में गिलोय का जूस पीना शुरू कर दीजिए। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है तो सबसे पहले हमें फंगल इन्फेक्शन ही अटैक करता है। तो अगर आप रेगुलर मॉर्निंग में गिलोय का जूस पियेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। सेकेंड चीज़, अगर आप प्रोबायोटिक्स यानी दही, छाछ, लस्सी रेगुलर पीते हैं तो ये हमारे शरीर में अच्छे वाले गुड बैक्टीरियाज जिनको कहते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया बनाते हैं जो बैड बैक्टीरिया से लड़ते हैं और इसकी मदद से भी फंगल इन्फेक्शन को कम करने में काफ़ी सहायता मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब जब भी आपको ये पेस्ट अप्लाई करना है आपको हमेशा ताज़ा फ्रेश पेस्ट ही तैयार करना होगा, तभी अप्लाई करना होगा। इस पेस्ट को बनाकर आपको फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना, वो ख़राब हो जाएगा। तो जब जब आपको लगाना होगा तब तब आप फ्रेश पेस्ट ही बनाकर लगाइएगा और ये उपाय आपको लगातार एक महीने तक करते रहना है। एक महीने के बाद आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं बोलती हूँ आप शुरुआत के एक हफ्ते रेगुलर लगाते ना तो आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लगातार एक महीने तक लगाते रहेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये घरेलू उपाय अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको फॉलो करेंगे और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरीके का रिज़ल्ट आपको मिलता है आप मुझे वीडियो में आके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।